ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है वैशाख महीने की पंचमी तिथि और साथ ही साथ कल है सोमवार का दिन, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाता है। इस पूरी वीडियो में हम लोग चार सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको सोमवार के दिन करने होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा कि कैसे करने हैं इन सभी उपाय को। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि आपको शहद से करना होगा। दूसरा उपाय पीपल के पत्ते से करना है। तीसरा उपाय आपको मात्र 7 लौंग से लेना होगा और आपके घर की लड़ाई खत्म होगी। और चौथा उपाय आपको त्रिशूल से करना होगा, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी बिल्कुल सी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करेंगे। तो पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको शहद से करना होगा। कहोगे भैया शहद से तो इस उपाय को हम करें, लेकिन सबसे पहले इसका फायदा बता दो, फिर उपाय करने का मजा आएगा। देखो, अगर आपके बच्चे बिल्कुल चिड़चिड़े हैं, गुस्सा करते हैं, किसी गलत संगति में है, आपकी बात तो बिल्कुल सुनते नहीं, अपने मन की ही करते हैं ना, तो आप इस उपाय को जरूर करवाइएगा अपने बच्चे से। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको शहद दिख रहा है, दिख रहा है ना शहद। आप क्या करेंगे, एक चम्मच शहद चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक चम्मच शहद लेना। ठीक है, और इस एक चम्मच शहद को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना सोमवार के दिन सुबह के टाइम पे, जब भी आपका बच्चा स्नान करे, जब भी आप स्नान करें। ठीक है, सिर्फ शहद को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास और अपने बच्चे से कहना कि उस एक चम्मच शहद से 5 बार शहद से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी शहद को चढ़ाए। जैसे एक चम्मच शहद है आपके पास, तो उसी एक चम्मच शहद से ही 5 बार, जैसे थोड़ा सा गिरा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, थोड़ा सा गिराया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका कहने का मतलब है कि एक चम्मच शहद से 5 बार अपने बच्चे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर शहद को चढ़वाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद शहद को चढ़ाने के बाद आप एक लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेके जाना, तांबे के लोटे में जल भर के लेके जाना, और जिस जगह पे आपने शहद को चढ़ाया था अपने ही बच्चे से या तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से, या फिर आप महादेव का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका स्मरण करते हुए उसी शहद वाली जगह पे एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। 5 सोमवार अपने बच्चे से इस उपाय को करा के देख लेना। ऐसा चमत्कार होगा कि आप जो कुछ भी कहेंगे आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल मानेगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा, और अगर वो किसी भी गलत संगति में है तो वहां से वो निकल जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप कहोगे भैया एक बात बताओ, आप ऐसी बातें कर रहे हो, अगर बच्चा हमारी बात ही नहीं मान रहा तो हमारे साथ वो मंदिर क्यों जाएगा, क्यों उपाय करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपका बच्चा इस उपाय को नहीं कर सकता तो उस घर का कोई भी सदस्य अपने बच्चे का नाम लेकर के, और जैसे मैंने बताया 5 बार शहद चढ़ा करके और एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना, आपका बच्चा बिल्कुल सुधर जाएगा। ठीक है, इस उपाय को करिएगा 5 सोमवार करके देख लीजिएगा, बहुत चेंजिंग आएंगी आपके परिवार में। ठीक है, पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको पीपल के पत्ते से करना है। क्योंकि भैया आप फिर से बता दो कि पीपल के पत्ते से उपाय करने से बेनिफिट क्या है। एक फायदा है, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो है बीमारी। आज के टाइम पे एक भी ऐसा घर नहीं होगा, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, कि जिसके घर में छोटी मोटी या फिर बड़ी बीमारियां ना हो, है ना। सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन पर यहाँ पर आपको पीपल के पत्ते दिख रहे ना, मात्र एक पीपल का पत्ता चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, एक पीपल का पत्ता लेना, साथ ही साथ जरूरत होगी बेलपत्र की, जो कि कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेना, 3 बेलपत्र की जरूरत होगी। ठीक है, बाद आपको जरूरत होगी, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शमी के पत्ते, बहुत सारे पत्ते दिख रहे ना, हमें 11 शमी के पत्तों की जरूरत होगी। अब यहीं पे मुझे पता नहीं क्या बोलोगे आप, क्योंकि भैया एक शमी का पत्ता तो मिलता नहीं है, 11 11 बता देते हो आप, कौन कौन से उपाय बताते हो। देखो, तो परेशान नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, अगर 11 शमी के पत्ते आपको नहीं मिलते ना, तो 11 शमी के पत्तों की जगह पे 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो, फिर इस तरीके से लेना तांबे का लोटा। ठीक, तांबे के लोटे में अपने घर से क्या भरोगे, जल भरोगे। जो मैंने आपको 3 बेलपत्र दिखाया वो डाल देना, और बस एक पीपल का पत्ता डालना। जो आपने 11 शमी के पत्ते लिए हैं या फिर जो 11 चावल के दाने लिए हैं, वह इसमें समर्पित नहीं करने। ठीक है, बात आई समझ में। इस कलश को लेके और अपने दूसरे हाथ में 11 शमी पत्तों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, अब जो बताने जाना हो वो चीज ध्यान से सुनिएगा। महादेव के शिवलिंग के पास जब पहुंचोगे तो उस कलश को वहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास में ही रख देना, उससे जल समर्पित नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद जो आपके पास 11 शमी के पत्ते हैं ना, उन 11 शमी के पत्तों को इसी कलश में अपने हाथों से टच कराना। ठीक है, अपने हाथों से इस 11 शमी के पत्तों को इस कलश में टच कराना, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको 11 शमी के पत्तों को समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करना, महादेव से प्रार्थना करना,
करना, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत बीमार रहता है, बहुत मेडिसिन खाता है, बहुत दवाई खा के परेशान हो गया, हम लोग के सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं दवा में, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे घर की जो भी बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। कुछ इस तरीके से प्रेम से प्यार से महादेव से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद इस कलश को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। उठाने के बाद आप अपने घर लेके चले जाना, जिस कमरे में जो भी बीमार व्यक्ति है वो सोता है उसके बेड के पास में या फिर उसी कमरे में उस कलश को जिसमें 3 बेलपत्र और 1 पीपल का पत्ता है उस तांबे के लोटे को ढक करके रख देंगे, पूरी रात रखा रहने दें, ठीक है। पूरी रात रखा रहने के बाद आप क्या करेंगे, अगले दिन से, जैसे सोमवार के दिन किया तो अगले दिन से मंगलवार को क्या करेंगे, उस जल को सुबह दोपहर शाम, कब सुबह दोपहर शाम, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ एक ही दिन आपको पिलाना है और हर मंडे 2 से 3 सोमवार करके देख लीजिएगा, उसकी जो भी बीमारी होगी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। कहोगे भैया उसके अंदर जो 3 बेलपत्र है और 1 पीपल का पत्ता है क्या उसको भी खाना है? जी नहीं, उसको आपको खाने की जरूरत नहीं है। उन पत्तों को लेके किसी भी नदी तालाब सरोवर में विसर्जन कर देना या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे, पीपल का पेड़ हो या फिर बेल पेड़ के नीचे ले जा करके डाल देना, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये दूसरा उपाय जो था ये बीमारी के लिए था, बहुत बहुत अच्छा उपाय था, तो इस उपाय को बीमारी के लिए जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, 2 उपाय की बात हमने कर ली है, तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको 7 लौंग से करने होंगे ना। तो 7 लौंग का उपाय बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे भैया पहले आप वीडियो छोटी बनाते थे, अब आप वीडियो बड़ी बना रहे हैं। देखो हर महीने यूट्यूब की पॉलिसी आती है तो हमको यूट्यूब के अकॉर्डिंग वीडियो को बनाना पड़ता है। इस टाइम पॉलिसी है कि वीडियो को बड़ी बनानी है, इसलिए मुझे मजबूरी में वीडियो को बड़ी बनानी पड़ रही है, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही पॉलिसी चेंज होगी वीडियो फिर से आपके लिए 1-2 मिनट की आया करेंगी, ठीक है। चलो आप कहोगे भैया इस उपाय को करने से बता दो कि फ़ायदा क्या है। देखो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि क्लेश है ना, आज के टाइम पे सभी घरों में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। जो कहीं पे 4 बर्तन होंगे तो भाई खटकेंगे, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपके यहाँ लड़ाई होती है ना, क्या करेंगे, 7 लौंग लेना, बिल्कुल खड़े खड़े 7 लौंग लेना, फूल के साथ, इस फूल को तोड़ना नहीं, फूल के साथ 7 लौंग लेना, ठीक है। और उसके बाद ज़रूरत होगी 1 चुटकी काली मिर्च की। अब उस 1 चुटकी काली मिर्च में 2 दाने आ जाएँ या फिर 10 दाने आ जाएँ, 50 दाने आ जाएँ, इससे मतलब नहीं है। 1 चुटकी काली मिर्च लेना, खड़ी, पीसना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत होगी, यहाँ पर काला तिल दिख रहा है तो 1 चुटकी काला तिल भी ले लेना, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेकर के महादेव के मंदिर पहुँचना। को महादेव के शिवलिंग के पास में नहीं जाना है, अभी जो मंदिर का चौखट होता है ना, जैसे नंदी बाबा यहाँ पे होते हैं, नंदी बाबा के बाद आपको चौखट दिखेगा, उसके बाद शिवलिंग होते हैं, तो आपको इसी चौखट पे किसी भी राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड आपको उसको जितनी भी चीज़ें ली है, 7 लौंग, थोड़ा सा काले मिर्च और थोड़ा सा काला तिल, जो भी व्यक्ति आप पे घर में क्लेश करता है, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके किसी भी साइड, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में आपको रख देना है, ठीक है। उसको रखने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, शिवलिंग के पास आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, महादेव के ऊपर हाथ रखना, दाहिना हाथ रखना और महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी तरीके से आप हमारे घर की जो भी लड़ाइयाँ हैं वो आप दूर कर दें और हमेशा हमारे घर में प्रेम सौहार्द और मोहब्बत प्यार, जो भी आपको बोलना हो अपने हिसाब से आप बोल देना, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी प्रार्थना महादेव से करें आंखें खोल करके, उनसे नज़रों में नज़रें मिला करके कहा करिए, आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। बात आई समझ में? तो 3 उपाय की बात हमने कर ली है, आखिरी उपाय की बात करते हैं इस वीडियो की, जो कि त्रिशूल का उपाय है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है ना, लेकिन कैसे करना है अब इस उपाय को बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखो सुनिएगा बहुत ध्यान से, कहोगे भैया त्रिशूल वाला उपाय करने से फ़ायदा क्या है? 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, पहला तो ये। और दूसरा, अगर आपके घर में निगेटिविटी बहुत आती है, यानी कि टोने टोटके आपके घर के लोगों को बहुत लगते हैं ना, नज़र बहुत लग जाती है, तो वो भी इससे नहीं लगेगी। देखो क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है। तांबे के लोटे से सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, ठीक है। जल चढ़ाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब जल चढ़ाओगे तो आपको पता है जल बहता हुआ कहां से गिरेगा, जलाधारी से। अरे गिरेगा तो इसमें से थोड़ा सा जल रोकना होगा। अरे जब भी जल चढ़ाने जाते होगे थोड़ा सा जल तो लेके आते होगे ना महादेव के शिवलिंग से, इसी तरीके से थोड़ा सा जल रोक लेना। उसके बाद क्या करेंगे आप, लेकिन ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाइएगा जहां पर त्रिशूल महादेव का जरूर हो। बहुत सारे ऐसे शिवलिंग है जहां पर त्रिशूल नहीं है, तो
तो वहां पर इस उपाय को नहीं करना है, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पर महादेव का त्रिशूल उनके पास हो, ठीक है। तो जल को रोकने के बाद अपनी ये तीन उंगली उस जल में डालेंगे और आपको ये जो तीन दिख नहीं रहा है, तीन भाग त्रिशूल के, इन्हीं तीनों पर आपको अपनी उंगलियों को रख देना है, ठीक है। आप अपनी उंगलियों को रखें, उसके बाद फिर से इस कलश में उन तीन उंगलियों को डुबा देना, ठीक है। डुबाने के बाद इस कलश को का पानी यानी जल लेकर के आप अपने घर जाना और पूरे जगह पे जहाँ जहाँ पे मतलब वॉशरूम को छोड़कर के सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कर देना। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है त्रिशूल वाला और उस जल को ला करके अपने घर में छिड़क देता है, छीट देता है, दो चीज़ें होती हैं। पहली, उसके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती और दूसरी, उसके घर में कभी भी नज़र टोने टोटके ये सब चीज़ें नहीं होती, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट था ये उपाय, बहुत अच्छा उपाय था त्रिशूल वाला, तो आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय बताए हैं, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। मुझसे फ़ोन में बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।